अच्छा अब क्या हो रहा है, अभी तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने स्ट्रिंग बना दी है, यानी कि 7 रैंडम कैरेक्टर्स इसने हमारे ये जो अरे यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ये अरे बेसिकली वो है जो कि सारा कंबाइंड अरे लेके आ रहा है, ए टू जेड और 0 to 9। सही है जी। अच्छा ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे 7 दफ़ा चल रहा है, और इसमें से जो माई लेटर वैल्यू है, यानी कि माई लेटर अरे जो यहाँ पे है, इसमें से 7 रैंडम वैल्यूज रिट्रीव कर रहा है और माई कैप्चा स्ट्रिंग में सेव कर रहा है। अच्छा अब इस पॉइंट पे क्या है कि ये स्ट्रिंग हमारे पास आ गई है मौजूद, हम इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे करते हैं रिस्पॉन्स और राइट माय कैप्चर स्ट्रिंग। सही है ये। तो ये देखिए जो रैंडम कैरेक्टर्स और नंबर्स अभी आप इमेज में देख रहे थे वो यहाँ पर एज टेक्स्ट आ रहे हैं आपके पास, ये इमेज नहीं है, पहले आपको इमेज आ रहा था। यानी कि इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे हमारी एप्लीकेशन हमारे जनरेट रैंडम कैरेक्टर्स कर रही है। तो अब दूसरा स्टेप है कि क्रिएट एन इमेज फ्रॉम रैंडम कैरेक्टर्स, यानी कि पहला स्टेप हमने कर लिया, दूसरा मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपको दिखा दूंगा। और क्रिएट एन इमेज फ्रॉम रैंडम कैरेक्टर्स, अब हमारे पास रैंडम कैरेक्टर्स आ गए कोड में, इसको रिफ्रेश करते जाएँ तो देखेंगे 60 कैरेक्टर्स पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके जी। अब हम इस यानी कि जो कैप्चा स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग आ गया, अब इस स्ट्रिंग को इमेज में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमारा मेन काम है। ये जो हमने अभी तक काम किया है कि रैंडम कैरेक्टर्स जनरेट करना और इसको स्ट्रिंग में सेव करना, ये कोई मतलब इस ट्यूटोरियल का मकसद नहीं था। ये मतलब काम हर एप्लीकेशन में, हर दूसरी एप्लीकेशन में रैंडम नंबर जनरेट करना और अरे में सेव करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस अब हम अपने ट्यूटोरियल के मेन पर्पस पे आ जाते हैं कि इस इमेज को हम इस टेक्स्ट को इमेज में कैसे कन्वर्ट करें इन मेमोरी। हमारे फाइल सिस्टम में कोई इमेज नहीं पड़ा, हमारी एप्लीकेशन में हमने इमेज कन्वर्ट कर। तो .NET के अंदर नेम स्पेसेस हैं system.drawing की, ये इंपोर्ट करें, system.drawing.imaging की, system.drawing.text। यहाँ पे आएंगे हम, पहले एक बिट मैप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, dim my bitmap as new bitmap, width 400, height 80। फिर हम एक ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट बनाएंगे ग्राफिक्स का, ग्राफिक्स क्लास इनहेरिटेबल नहीं है सिर्फ, तो इसका हम न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, न्यू नहीं कर सकते, हमने इसको एज इट इज़ यूज़ करना होगा। तो ग्राफिक्स डॉट फ्रॉम इमेज, यानी कि जो बिट मैप, ये जो इमेज बनाया हमने अभी बिट मैप के नाम से, माई बिट मैप के नाम से, इसके अगेंस्ट एक ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट बनेगा। अब जो भी हम .NET में ग्राफिक्स के साथ करना चाहते हैं वो एक ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट पे करेंगे। यानी कि जब आपने यहाँ पे एक नई ड्राइंग, बिट मैप को समझिए कि कैनवस है, जब आप फोटोशॉप खोलते हैं या कोई एप्लीकेशन इस तरह की खोलते हैं, आप देखते हैं कि जहाँ पे आप ड्राइंग बना सकते हैं वो एक एरिया होता है वाइट कलर का, अमूमन खुलता है और उसको हम कहते हैं कैनवस। तो ये जो है बेसिकली ये स्टेप यहाँ पे कैनवस बना रहा है। अब इस कैनवस के अगेंस्ट हमने ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट बनानी है और ग्राफिक्स डॉट फ्रॉम इमेज, इसके फ्रॉम इमेज के और भी वो हैं ओवरलोड्स, फ्रॉम इमेज है, फ्रॉम HWDND इंटरनल है, ये सारी। तो हम करेंगे फ्रॉम इमेज। पहले स्टेप में क्या किया कि जब इमेज बनेगा ग्राफिक्स का, तो यूजुअली ये जितनी विड्थ और हाइट दी होती है इतनी में ब्लैक कलर, एक सॉलिड कलर
यूजुअली ब्लैक शो होता है, तो हम नहीं चाहते कि वहाँ पे ब्लैक कलर शो हो, तो बैकग्राउंड हम चाहते हैं इमेज का वाइट हो, तो हमने क्लियर का फंक्शन यूज़ किया है, क्लियर का फंक्शन यूज़ कर लिया है। अच्छा, अब हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉ रेक्टेंगल, पेंस डॉट ग्रीन, यानी कि ग्रीन कलर का पेन यूज़ करें, और न्यू रेक्टेंगल बनाएं जिसकी अपर लेफ्ट एक्स एक्स ज़ीरो हो, अपर लेफ्ट वाई जो है ज़ीरो हो, उसकी विड्थ 100 हो और उसकी हाइट 50 हो। अच्छा, फिर इसके बाद ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग। अब ड्रॉ स्ट्रिंग जो है बेसिकली जब आप यूज़ कर सकते हैं टू राइट ए स्ट्रिंग एज एन इमेज। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माई कैप्चा स्ट्रिंग पास कर रहे हैं इसको, कि जो भी माई कैप्चा स्ट्रिंग में वैल्यू मौजूद हो वो ड्रॉ स्ट्रिंग कर दें। अच्छा, फिर हमने लिया न्यू फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली डॉट जेनेरिक सांस सेरिफ, इसका साइज़ लिया 18, फॉन्ट स्टाइल डॉट रेगुलर, ग्राफिक्स यूनिट डॉट पिक्सल, ब्रशेज डॉट ब्लैक, यानी कि ब्लैक कलर में बने 5 और 15, एक्स पे एक्स एक्सेस पे क्या पोजीशन, वाई एक्सेस पे क्या पोजीशन, और इस बिट मैप को सेव करें रिस्पॉन्स डॉट आउटपुट स्ट्रीम पे, और इमेज फॉर्मेट डॉट जेफ एस जेफ फॉर्मेट में। अच्छा, इसको हम करते हैं रन, कमेंट कर देते हैं, कोड को हम दोबारा से रन करते हैं। तो ये देखिए एक रेक्टेंगल बन गया है, ग्रीन कलर का रेक्टेंगल है, और इसमें हमारे पास रैंडम कैप्चर स्ट्रिंग आ रहे हैं, सही है जी। अच्छा, अब हमारा जो ये स्टेप था कंप्लीट हो गया है, क्रिएट एन इमेज भी हो गया है और सर्व द इमेज भी हो गया है। स्टोर कैरेक्टर्स इन सेशन, यहाँ पे आप सिंपली जब कैप्चर रिटर्न होगा तो सेशन माय स्ट्रिंग इक्वल टू, और जब आप पर करें कोई फॉर्म बनाएं और उसमें जब यूज़र इसकी एंटर करे तो अगेंस्ट द सेशन आप चेक कर लें वैल्यू, इफ यूज़र एंटर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सेशन, देन फलाना फलाना लॉजिक लिख के चेक कर लें, अगर तो वो वेरीफाई हो जाए तो सही है, नहीं होता तो यूज़र को एरर शो कर देंगे, प्लीज़ रीचेक द वेरिफिकेशन। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने देखा, एक तो हमने काम किया कि रैंडम हम कोड में कैरेक्टर्स कैसे बना सकते हैं, ए टू जेड, ए टू जेड और